नमस्कार दर्शक मित्रों मैं आचार्य दुर्गा शास्त्री आप सभी का स्वागत करता तो हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जहाँ पर विविध प्रकार के राशि के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है और आपके भी कोई सवाल हैं कोई समस्या है तो आप जरूर हमको लिख के भेजिए आपकी समस्या का समाधान यहाँ से दिया जाएगा शास्त्रोक्त समाधान मित्रों दिया जाता है और ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है आप अवश्य में पूछ सकते हैं कुंडली विश्लेषण करवाना हो ग्रहों के दोष निवारण करवाना हो या कोई कार्य नहीं बन रहे हैं कोर्ट कचेरी के हों या अन्य कोई भी हों आप हमारा संपर्क अवश्य करिए हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं तो चलिए मित्रों पहले जानते हैं आज का क्या है पंचांग शुक्रवार का दिन है पहले माता लक्ष्मी को वंदन करते हैं ओम पद्म प्रिय पद्मिनी पद्म हस्ते पद्मदलाय ताक्षी प्रिय विष्णु मनो अनुकूलपाद तो पद्म में सन्निधस्तम माता पद्मावती को वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का पंचांग आज विक्रम संबद्ध दो हजार इक्यासी सक संबद्ध उन्नीस सौ छियालीस बीस पच्चीस सौ पचास आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तेरह तिथि है पंद्रह बज के सत्रह मिनट तक इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा नक्षत्र आज आर्द्रा रहेगा दस बज के उनसठ मिनट तक इसके बाद पुनर्वश नक्षत्र का प्रारंभ होगा योग आज हर्षण है ग्यारह बज के चौवालिस मिनट तक इसके बाद योग का प्रारंभ होगा आज चतुष्पात करण रहेगा पूरे दिन और राशि जो है मिथुन रहेगी उनतीस बज के चालीस मिनट तक यानी पूरे रात रहेगी पूरे दिन रहेगी और इसके बाद कर्क राशि का प्रारंभ होगा यानी उनतीस चालीस के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण ख छ अक्षरों पे रखा जाएगा इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क यानी डह अक्षरों पे नाम रखा जाएगा सूर्य आज अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे यह भी एक घटना है अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का होना और उसका वाहन जो है वो गधा बता रहा है यानी गधा वाहन होने से कहीं पानी की आवश्यकता होगी कहीं पानी बरसेगा कहीं बरसात आएगी कहीं नहीं आएगी यानी हर जगह वर्षा ऋतु रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसको कहते हैं खंड वृष्टि होने की संभावना है तो चलिए मित्रों यह तो हमने जाना आज का पंचांग चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल पहले हम जानेंगे मेष राशि से बात करते हैं मेष यानी एरिस अल अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से मित्रों आपके लिए व्यक्तिगत आपका जो स्वभाव है वह तो अच्छा रहेगा थोड़ा मन में उचाट और टेंशन जरूर दिख रहा है क्योंकि आपके इनकम के सोर्सेज घटते हुए नज़र आ रहे हैं इनकम कही कहीं ना कहीं गिरेगी थोड़ी धीरे आएगी प्रेम संबंध में और व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा दिख रहा है लेकिन आपके संतान को लेकर आप थोड़ी सी चिंता में जरूर दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर शरीर में यानी काम करने की इच्छा बंद हो रही है आप काम करना तो चाहते हो लेकिन काम करने की इच्छाएं बंद रहती हैं यानी मन जो है वो थोड़ा सा आलस में चला जाता है तो मित्रों आपको करना क्या होगा आलस को बिल्कुल छोड़ देना होगा आलस अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप फंसे रहेंगे इसलिए आलस से दूर रहना है दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पति और पत्नी के बीच में भी थोड़ा तनाव बनता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर किसी को अगर आप बीमारी की बात की जाए तो थोड़ी सी स्वास्थ्य भी नासाज होने की संभावना बन रही है यानी एटमोस्फियर चेंजिंग का प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएगा क्या करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए भगवान शिव पर जल चढ़ाइए दिन की शुरुआत करिए अच्छा दिन रहेगा चलिए मित्रों जानते हैं वृषभ राशि टॉरस वृषभ राशि यानी कि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए तो आपके लिए सामान्य रूप से यह मही जो समय है आज का दिन बहुत ही शुभ और सुंदर रहेगा कुछ मन के विचार भी अच्छे रहेंगे काम में भी सफलता मिलती दिख रही है कुछ छोटी बड़ी यात्रा पे भी जा सकते हैं लेकिन एक बात से ख़ास ध्यान रखिएगा किसी को पैसे पैसे मत दीजिएगा अगर पैसे उधार आपने दिया है तो आपका पैसा डूबा है तो आपके पैसे डूबे नहीं इसका ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है जीवन साथी के स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको आने की संभावना बन रही है दूसरी एक बात और अच्छी है कि संतान के कैरियर वगैरह को लेकर जो चिंता थी वह चिंता आपकी दूर होगी यानी संतान अपने लाइन में चढ़ता हुआ दिखेगा और ख़ास तौर पर अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह भी मिलेंगे उपाय के तौर पर मित्रों आज क्या करना है तो आज एक अपंग व्यक्ति को यानी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराकर करा दिन की शुरुआत करिएगा आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मिथुन राशि कछ घ अक्षर यानी जैमिनी तो आपके लिए कैसा रहेगा आज का जो दिन है मित्रों वह बहुत अच्छा है व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका व्यवसाय ठीक चलेगा भाग्य आपका साथ दे रहा है भाग्य में आपके कुछ नया हो रहा है पराक्रम भी अच्छा है विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी हाँ सोर्स ऑफ इनकम जो आती है वह थोड़ी सी घटती हुई दिखती है यानी इनकम जल्दी से आएगी नहीं लोग आपको कहेंगे हम पैसा दे रहे हैं लेकिन वो लोग आपको पैसा लौटाएंगे नहीं आपको केवल मतलब लॉलीपॉप देते रहेंगे आप उसी में मजा रहेंगे तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है प्रेम संबंधों में दिक्कत आने की संभावना है और छोटी बड़ी यात्रा पे आपका जाना बन सकता है क्या करना होगा तो आज अपने दिन को और शुभ बनाना है तो मित्रों गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा बढ़िया दिन जाएगा चलिए अब जान लेते हैं हम कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मित्रों दिन तो सुबह और सुंदर दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं नौकरी वगैरह अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशन वगैरह में भी थोड़ी सी दिक्कत आती हो ऐसा लगता है नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना बन रही है और माता पिता के साथ के संबंध तो अच्छे दिख रहे हैं खास तौर पर आज कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो ज़रा सावधानी जरूर रखिएगा ख़ास तौर पर एक दूसरी बात ध्यान रखिए शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे दूर रहिएगा हट के काम करेंगे आपके लिए शुभ और सुंदर रहेगा उपाय के तौर पर आपको क्या करना है हाँ तो मित्र एक हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिएगा आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा चलिए अब जान लेते हैं हम राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया बनी हुई है कामकाज की भी सफलता अच्छी मिल रही है स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई देता है हाँ पति पत्नी के बीच थोड़ा मत मतांतर बनने की भी संभावना बन रही है और तौर पर मित्रों आपका जो सामान्य जो व्यवहार है जीवन में जो व्यवहार है जिसके साथ आपके संबंध हैं वे संबंध अच्छे रहेंगे प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है यानी प्रेम संबंध अगर है तो जरा अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो लाभ की जगह नुकसान होने की संभावना बन रही है तो व्यवसाय की दृष्टि से आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा लेकिन मित्रों तो नौकरी वगैरह नहीं मिलने की संभावना है नौकरी में थोड़ा ध्यान भी आपको देना पड़ेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा हाँ जल्दबाजी में कोई निर्णय आप बिल्कुल नहीं लेंगे और ख़ास खासतौर आपके जो संबंध और रिश्ते नाते हैं उन रिश्ते नातों में भी सफलता अच्छी मिलेगी उपाय के तौर पर क्या करेंगे तो आज उपाय के लिए आप एक गरीब को भोजन कराइएगा दिन की शुरुआत करिएगा अच्छा दिन जाएगा चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर दिख रही है माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे हैं और खास तौर पर कोई नया काम करना जो चाह रहे हो उस कार्यों में भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और ख़ास तौर पर आज आपको एक काम ऐसा हो सकता है कि नए घर या नया मकान खरीदने का प्लानिंग आपका बन रहा है लेकिन मित्रों समय बहुत अच्छा नहीं है इसलिए सावधान रहिएगा आज अभी कोई निर्णय बिल्कुल न लीजिएगा नए व्यवसाय में भी जुड़ना चाहते हो तो वह समय आपके लिए ठीक रहेगा आपके जो नाते और रिश्ते रहेंगे जो संबंध हैं उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी क्या करना होगा तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा चले मित्रों अब जान लेते हैं तुला राशि रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए लिब्रा तुला मतलब लिब्रा होती है तो तुला राशि वाले जातकों के लिए दिन सुबह और सुंदर दिख रहा है थोड़ा जल्दबाजी करने की भी जरूरत है कोई काम आपका बिगड़ ना जाए या ध्यान रखना है कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी और माता पिता के साथ के सारे संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे जो अगर कोई नया काम आप कर रहे हैं तो उस कार्य में ज़रा सावधानी रखिएगा और खास तौर पर आज का दिन आपका शक्तिशाली दिन है यानी अच्छा दिन है कुछ नया व्यवहार आप कर सकते हैं माता पिता का संबंध अच्छा रहेगा भाइयों के साथ के भी संबंध अच्छे रहेंगे पैसों का लेन देन करने से मित्रों आपको भी बचने की जरूरत है उपाय के तौर पर आज हनुमान मंदिर में जाकर मोतीछूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा तो चलिए दर्शक मित्रों अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि नक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो आपके रिश्तों में परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ दिख रहा है आपके पारिवारिक क्लेश बनते हुए दिख रहे हैं थोड़ी अपनी जिद से अलग रहने की ज़रूरत है अगर अपनी जिद छोड़ के आ काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होने की संभावना आपका मान सम्मान भी समाज में रहेगा लेकिन एक बात और दिख रही है कि शनि महाराज की वजह से हो सकता है कि आपके मान सम्मान को ठेस ही पहुँचेगी लोगों के द्वारा आपका सम्मान नहीं दिख रहा है व्यवसायिक रूप से दृष्टिकोण से आपका समय ठीक है लेकिन पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ती हो ऐसा भी दिख रहा है व्यवसाय यानी नौकरी वगैरह अगर कर रहे हैं तो वहाँ ज़रा सावधानी जरूर रखिएगा लोगों के बीच में क्लेश न बन जाए इसका ध्यान रखिएगा माता पिता के साथ के संबंध तो आपके अच्छे दिख रहे हैं पति पत्नी का साथ सहकार भी अच्छा रहेगा और जो लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हैं तो जरा अपने प्रेम संबंधों को भी संभाल के रखिएगा कहीं आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ न जाए तो क्या करेंगे आप तो आज आपको ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव पर चल चढ़ाना है और दिन की शुरुआत करनी है अच्छा दिन रहेगा चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनराशि भडाफद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है ख़ासतौर पर आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे जो क्लेश पुराने चल रहे थे उनमें आपको फ़ायदा होगा साथ में आपके कोर्ट कचेरी के अगर मैटर रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी शेयर बाजार या अन्य बाजारों में ज़रा दूर रहिएगा मित्रों क्योंकि वहाँ पर आपको दिक्कत होने की संभावना बन रही है नई परेशानियाँ व्यवसाय में आने की संभावना भी बन रही है छोटी बड़ी परेशानी जरूर आएगी लेकिन उसमें कोई घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है संबंध आपके माता पिता के साथ अच्छा रहेगा स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी रहेगी यानी पैसों का खर्च आपका दवाइयों के पीछे होने की भी संभावना बन रही है क्या करेंगे तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और पीपल के जल पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए अच्छा दिन जाएगा दर्शक मित्रों आप जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन शुभ और सुंदर जरूर है और कुछ नए काम करने की एक मन में आशा भी है उत्कांक्षा भी है आप जो करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है यानी आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में अवश्य रहेगी और यह चिंता आपके लिए थोड़ी दुभर रहेगी खास तौर पर पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है जो भी व्यवसाय या काम कर रहे हैं वहाँ भी आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जिसके रिश्ते नाते में आप जुड़े हैं वहाँ पर भी आपको परेशानी होगी क्या करेंगे तो यह परेशानी ना हो इसके लिए आपको भगवान शिव पर जल चढ़ाना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है चले मित्रों अब जानते हैं कुंभ राशि स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है व्यवसायिक रूप से आपका समय अच्छा है जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका आएगा माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे रहेंगे भाइयों के साथ के भी संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं नौकरी करने में थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा कोई गलत काम अपने न हो जाए मित्रों से सावधान इसलिए रहिएगा कोई गलत लाइन दे देंगे आप वहाँ फंस सकते हैं तो सर इसी चीज को ध्यान देना है शेयर बाजार या अन्य बाजारों में सावधानी से काम करिएगा आपको फायदा जरूर मिलेगा क्या करेंगे तो ओम होम, जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए काले तेल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए अच्छा दिन रहेगा चले मित्रों जानते हैं पाइसिस यानी मीन राशि द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है मात्र माता और पिता के बीच के संबंध भी आपके अच्छे दिख रहे हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी आपको सफलता मिल रही है लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही कहीं खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है माता और पिता के साथ के संबंध तो ठीक ही है भाइयों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन अगर कोर्ट मैटर वगैरह है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी क्या करेंगे आज तो आज आप ऐसा करिएगा गाय को चने की दाल गुड़ हल्दी खिलाकर हल्दी का पाउडर मिक्स करके रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा आज का राशिफल हमने जान लिया चलिए मित्रों अब जान लेते हैं आपके लिए उपयोगी एक टिप्स कितने लोगों का प्रश्न आया है कि हमें ये पैसे कहाँ से मिलेंगे बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए आपके घर में आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं है आप बहुत सोच कमा रहे हैं नौकरी भी कर रहे हैं व्यापार भी कर रहे हैं या और कहीं से इनकम के सोर्स आपके पास बने हैं और फिर भी हम पैसों से तकलीफ में हैं क्यों कभी कभी क्या होता है कि हमारा पैसा आ रहा है आ रहा है आता ही नहीं तो ये हर कार्यों में लेट होता है हमने कोई डील करनी है हमारी डील पूरी नहीं हो रही जब डील पूरी नहीं हुई तो पैसा कौन देगा यानी पैसा आने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो मित्रों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से चीज़ होती है शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुक्र महाराज मजबूत है बेस्ट हैं तो आपको बिल्कुल पैसा आएगा क्यों नहीं आएगा उच्च का शुक्र बैठा है अपने घर का शुक्र बैठा है मित्र घर का शुक्र है और शुभ ग्रह से अगर कहीं दृष्ट है तो उस व्यक्ति को पैसा अवश्य मिलता है दूसरी बात होती है बुद्ध बुद्ध जो है उत्तर दिशा का कारक है शुक्र जो है अग्नि दिशा का कारक है तो शुक्र जो बुद्ध जो है तो बुद्धि होगी व्यापार होगा बुद्धि में वाणी में व्यापार में आपको पैसा मिलेगा शनि महाराज पश्चिम के कारक हैं लेकिन कर्क कर्म के कारक जो काल पुरुष की कुंडली उसमें कर्म के कारक शनि हैं तो अगर शनि महाराज भी मजबूत हुए तो भी आपको फायदा होगा पर तीसरी बात यह है गुरु महाराज गुरु महाराज इसलिए कि गुरु ही वाणी बुद्धि व्यापार अपना ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब देते हैं इसलिए हमारी कुंडली में गुरु शुक्र और बुद्ध को मजबूत करना सबसे बड़ी ज़रूरत है बुद्ध को मजबूत करना है तो किसी भी गाय को घास खिलाइए या मूँग खिलाइए गरीबों को मूँग का दान कीजिए तो तीसरी बात है शुक्र को मजबूत करना है तो शक्कर का दान भगवान शिव के मंदिर में क्या कीजिए और सब जगह सफाई रखिए स्वच्छता रखिए गुरु को मजबूत करना है तो चने की दाल गुड़ हल्दी पाउडर का दान आप विष्णु मंदिर में किया करिए और अपनी पूजा रूम को साफ और स्वच्छ रखिए बस इतना सा छोटा सा काम करिए आप बिल्कुल पैसे की कमी बंद हो जाएगी और शनि महाराज यानी अपने नीचे के अंडर में काम करने वाले व्यक्तियों को खुश रखिए ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी दीजिए मुझे इजाज़त मिलेंगे कल नए विषय के साथ नमस्कार